Welcome to Dental and Ayurveda, a channel for basic dental and basic Ayurvedic sciences. आज के हमारे टॉपिक है पारत के खनिज और पारत प्राप्ति के स्थान. Before starting off, thank you for supporting us. And इस चैप्टर के जितने भी नोट्स हैं वो हमारे इंस्टाग्राम पे प्रेजेंट हैं, जिसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. पारत प्रकरण पार्ट टू. आज का हमारा टॉपिक है पारत के खनिज और पारत के प्राप्ति स्थान. तो सबसे पहले हम देखते हैं पारत के खनिज कौन कौन से होते हैं. तो पारत जो है वो दो अवस्थाओं में मिलता है. सबसे पहली अवस्था होती है मुक्तावस्था, दूसरी होती है यौगिकावस्था. तो सबसे पहले हम देखते हैं मुक्तावस्था क्या है. तो मुक्तावस्था नेटिव मर्करी है, जो स्वतंत्र द्रव स्वरूप में पिघली चांदी सदृश मिलता है. जो मेल्टिंग स्टेट में मर्करी मिलती है वो मुक्तावस्था होती है, और ये रेयरली मिलती है इस स्टेट में. सेकंड है यौगिकावस्था, विच इज़ ओर्स मर्करी, जो प्रकृति में हमारे नेचर में जो मर्क्यूरी मिलती है वो यौगिकावस्था में होती है. इसमें क्या होता है कि जो पारक, गंधक, क्लोरीन आदि तत्व के साथ मिला हुआ यौगिक के रूप में पारत पाया जाता है. यौगिक खनिजों से ही पारत निकलता है. यौगिक के रूप में पारदीय खनिजों का स्वरूप बहुत सारे होते हैं, जो कि हम नेक्स्ट अब पढ़ते हैं. तो सबसे पहला जो स्वरूप है यौगिक अवस्था का वो है हिंगुल. हिंगुल को सिनेबार कहा जाता है, विच इज HGS. हिंगुल जो है वो एक मुख्य खनिज है, ये प्रोडक्ट है, ये यौगिक है मर्करी और सल्फर का. इसमें 70-75% मर्क्यूरी मिलती है. इसमें जो जपा पुष्प के सदृश रक्त वर्ण का चमत्कार खनिज है, ये टूटने पर सुई के जैसे नुकीले पतले टुकड़े हो जाते हैं इसके, और कोई भी कसौटी पर खींचने पर एक रक्त वर्ण की रेखा बन जाती है. इसका काठिन्य 2.5 है और इसका अपेक्षित घनत्व 8.1 है. नेक्स्ट है मेटासिनेबार. मेटासिनेबार एक सिनेबार का ही टाइप है. इसका वर्ण जो है वो कृष्ण वर्ण होता है, मतलब कि जब हम किसी कसौटी पर एक रेखा खींचेंगे तो कृष्ण वर्ण की रेखा मिलेगी, ना कि रक्त वर्ण की हिंगुल की तरह. इसका काठिन्य 3 होता है, इसका अपेक्षित घनत्व 7-8 है. नेक्स्ट थर्ड है प्रवालाभ हिंगुल, मतलब कोरलाइन ओर, प्रवाल की तरह खनिज है. इसको कहा जाता है श्वेत रेख प्रलाभो हंसपाद, कि हंस के तरह श्वेत रेखा होती है. इसमें 2% सिनेबार होता है, 5% शिलाजितु होता है, और 56% स्फुरक होता है, फॉस्फेट ऑफ लाइम मिलता है. फोर्थ है दत्येंद्र रक्त, विच इज स्टील ओर, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसमें 75% मर्करी मिलता है. नेक्स्ट है दर्द हिंगुल, विच इज यकृत आकार, हिपैटिक सिनेबार. इसको हिपैटिक सिनेबार इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, जो इसकी शेप होती है, वो यकृत की तरह, एक लिवर की तरह होती है. सिक्स्थ वन इज गिरी सिंधूर, विच इज ब्रिक ओर, ये रक्त वर्ण का चमत्कार, रक्त वर्ण जैसा चमत्कार, चमकदार होता है और बालू के सदृश चून रूप में होता है. इसमें जो मर्क्यूरी है वो 68% होती है, और इसे रेड ऑक्साइड ऑफ मर्क्यूरी भी कहा जाता है. सेवेंथ इज केलेमॉल, विच इज HG2Cl2, ये कॉम्बिनेशन होता है, यौगिक होता है मर्क्यूरी, पारद और क्लोरीन का. श्वेत वर्ण चमत्कार होता है क्लोरीन की प्रेजेंस की वजह से, और हीरक धूतीर संकाशम इसे कहा जाता है, मतलब हीरे के समान चमक वाला. एट्थ वन इज सिल्वर अमलगम. सिल्वर अमलगम इज HgAg, ये चांदी और पारद का मिश्रण है. नाइन्थ वन इज फलाहोर, ये ताम्र पारद का मिश्रण है और इसमें पारद अल्पांश मात्रा में मिलता है. वन इज लिविंग स्टोनाइट, विच इज 2Sb2S3HgS. एग्जाम में इसका ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है. ये जो यौगिक है वो एंटीमनी, मर्करी और सल्फर का होता है. इलेवेंथ वन इज बार्सेनाइट, ये एक लिविंग स्टोनाइट का टाइप है. ट्वेल्थ वन इज ग्वाडल केजराइट, ये पारद गंधक के अलावा यशत से मिलकर बनता है.
13 है, टेलिंगवाइट 14 है, एग्लोस्टोनाइट 15 है, ग्लेनाइट 16 है, मोजेसाइट। ये 13 टू 16 जो हैं वो कंपोजिशन है, इनका जो यौगिक है वो पारद, क्लोरीन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। ये दानेदार खनिज है और गंधक के समान वर्ण वाले हैं। 17 वन इज मॉन्ट्रोयर डाइट जो कि HgO है और ये यौगिक है पारद और ऑक्सीजन का। यहाँ एक नोट लिखा गया है कि ये सभी जो यौगिक हैं जो हमने देखे हिंगुल से लेकर HgO तक, इसमें हिंगुल पारद श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि इसमें 70-75% शुद्ध पारद प्राप्त होता है। जो पारद के प्राप्ति स्थान हैं, अब हम देखेंगे जो पारद है वो ज्वालामुखी के पास ज़्यादा मिलता है, पर ऐसा कह नहीं सकते कि सिर्फ ज्वालामुखी के पास ही पारद मिलेगा। पारद जो है वो उष्ण स्रोतों के पास भी मिलता है, समुद्रों के पास भी मिलता है। तो यहाँ पारद के प्राप्ति स्थान लिखे गए हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका। यूरोप महाद्वीप में स्पेन में एक जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मरकरी मिलती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने देखा कि पारद के खनिज कौन कौन से होते हैं और पारद के प्राप्ति स्थान कौन कौन से होते हैं। थैंक यू एंड आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इस चैप्टर से रिलेटेड और वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ लुक एट आवर प्लेलिस्ट, जिसका लिंक भी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।